आओ दोस्त। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज फ्यूज बॉक्स के जानकारी के लिए जो हमारा ये वीडियो, ये दूसरा वीडियो है। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने जाना हुआ पहले पार्ट में कि 8 फ्यूजों का क्या यूज है और उनका कहाँ आउटपुट है, तो अभी हम 9 नंबर का जो फ्यूज है वो देखेंगे। ये किस लिए यूज है और इसका आउटपुट कहाँ पर निकलता है। तो हम 9 नंबर के फ्यूज को जो देखेंगे, इसका जो डायरेक्ट करंट है ये दो जगह आउटपुट होता है, X25 के पिन नंबर 5 पे और पिन नंबर 6 पे। इसका यूज होता है ट्रेलर सॉकेट 7 पिन के लिए यूज होता है, ट्रेलर सॉकेट 7 पिन के लिए। तो इसका आउटपुट कहाँ पे, मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ये यहाँ से जल रहा है, जैसे हम इसको निकालेंगे फ्यूज को तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे ये जो नीला वाला फिस है ये क्या है, आपका X25 है। इसका 25 नीचे साइड में लिखा रहता है, ये 25 नंबर है। तो इसका पेज नंबर 5 हो चुके, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 हो गया है, 3 के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3 फ्यूज हो गया, 4 5, ये देखेंगे यहाँ पे 5 और 6, ये दोनों डायरेक्ट करंट हैं आपके, 5 और 6 ये डायरेक्ट करंट है। अगर आपका फ्यूज ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर करंट नहीं आएगा। फ्यूज नंबर कौन सा है, 9 नंबर फ्यूज है ये। अब हम बात करेंगे फ्यूज नंबर 10 की। फ्यूज नंबर 10 हमारा किसके लिए यूज होता है, फ्यूज नंबर 10 हमारा जो होता है ये इग्निशन स्विच से होता है। जब भी हम चाबी स्विच ऑन करेंगे जब भी करंट आएगा। इसका आउटपुट आप देखेंगे तो 4 जगह जाता है, 116 पे आपको 10 नंबर पे मिल जाएगा, 11 नंबर पे मिल जाएगा, 12 नंबर पे मिल जाएगा और 17 में 9 नंबर पे मिलेगा। तो ऐसा होता है कई गाड़ियों में इसका यूज नहीं भी होता है, जो हमारा 10 नंबर का फ्यूज है। तो आपको हम बताते चले, 10 नंबर का जो हमारे 116 पे पिन नंबर 11 पे जो आउटपुट आउट होगा वो बैटरी स्विच का होगा, बैटरी डिस्कनेक्टिंग स्विच जो होती है उसके लिए यूज होता है। ये कौन सा है अभी आपको दिखाते हैं, फ्यूज नंबर 10 ये लगा हुआ है, फ्यूज नंबर ये 10 है। इसका आउटपुट कितना, 116। 16 नंबर फिस कौन सी है, 18 है, 17 16, ये वाले 16 फिस है, ये वाली है सोलह। लेकिन आप देखेंगे इसमें अभी तक सिर्फ एक ही पिन लगा हुआ है, बाकी कोई भी पिन नहीं है, यानी इसका ये बाकी यूज नहीं है। क्योंकि इसमें दिखाया गया, जैसा कि आप देखेंगे 3 जगह यूज है लेकिन इसमें एक ही जगह यूज आपको दिखाया गया है। तो जैसा कि हमने देखा कि फ्यूज नंबर 10 जो है उसका कहाँ कहाँ आउट है, 16 पे हम आएंगे तो अभी देखेंगे एक ही इसमें ये लगा हुआ था, ये नंबर का 16 नंबर ये लगा हुआ था। इसका पिन नंबर हम देख लेते हैं कौन सा है। जैसा कि आप देखेंगे इसमें एक ही लगा हुआ है, ये पिन नंबर कौन सा है, ये 16 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसका भी देखेंगे कई गाड़ियों में यूज है, इसमें नहीं यूज है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं क्योंकि मॉडल मॉडल का फ़र्क रहता है। तो अभी देखता हूँ फ्यूज निकाल के कितना है, फ्यूज नंबर 10, ये भी 10 है। हाँ देखेंगे, जैसे हमने फ्यूज निकाला 10 तो क्या हमारा टेस्टर बंद हो गया, यानी ये हमारा इससे कनेक्शन है, सही है। फिर इसका एक जो बचता है फ्यूज नंबर 10 का वो जाता है 7 नंबर के 9 नंबर पे, यानी 1 7 का फ्यूज यही रहेगा 10 नंबर के और 7 नंबर में जाना है, 1 4 5 6 7। जैसे कि देखेंगे इस गाड़ी में जो 7 नंबर का यूज नहीं हुआ है, 7 नंबर का कोई भी यूज नहीं हुआ, जो हमारे 1 7 फिर से पिन नंबर 9 ये नॉट एसेसिव से लिखा भी है। तो 10 नंबर फ्यूज जाएगा हमारे किस पे, 16 नंबर पे। उसके बाद हम आएंगे 11 पे, तो 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर जो हमारा फ्यूज रहेगा ये भी 24 पिन नंबर 6 पे, ये 11 नंबर फ्यूज है, 11 नंबर फ्यूज। इसका जो यूज रहता है हमारा बीएस के लिए ब्रेक कंट्रोल यूनिट के लिए, 11 नंबर ब्रेक कंट्रोल, ये डायरेक्ट करंट है, ये इसके ऊपर हमेशा डायरेक्ट करंट आएगा, ठीक है। और इसका जो आउटपुट रहेगा X25 पिन नंबर 6, जो कि आउटसाइड में X25 पिन नंबर 6 BS ब्रेक कंट्रोल के लिए है, X25 पिन नंबर 6 आपको दिखाता हूँ मैं। जब हम बाहर साइड के आएंगे ये नीला वाला फिस है, ये देखेंगे X25 का पिन नंबर 6, ये X25 नीचे साइड में लिखा हुआ है और पिन नंबर ये 6 BS कंट्रोल यूनिट के लिए ये है, ठीक है जी। बताने का मतलब ये, जैसे कि आप फ्यूज़ लगाते हैं, कई बार फ्यूज़ आपका उड़ता है तो आपको ये पता होना चाहिए आउटपुट कहाँ जाता है। आउटपुट अगर आपको पता है तो इंशाल्लाह आपका कोई भी फ्यूज उड़ता है तो उसको आप डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं आगे फ्यूज पे, 12 नंबर फ्यूज पे। जैसे कि हम देखेंगे फ्यूज नंबर जो 12 है हमारा, ये GS के लिए है, गियर कंट्रोल यूनिट, ये 12 नंबर है, ये 12 नंबर का है।
ये जीएस कंट्रोल यूनिट का यानी गियर का है, ये भी डायरेक्ट करंट है आपका। गियर का है और ये डायरेक्ट करंट है, ये 12 नंबर सही है, ये 12 नंबर डायरेक्ट है जीएस का। इसका आउटपुट 17 पे पिन नंबर 13 पर रहेगा, 17 पिन नंबर 13 पर, ये 17 है, इसका पिन नंबर 13 पे रहेगा। तो 13 या तो इस साइड होगा या इस साइड, टोटल 15 है, यानी 15 है तो फिर 3 ही कटा दो, 15 में से 3 देखेंगे। जैसे कि हमने जो पिन नंबर 13 के ऊपर अपने टेस्टर को फिक्स कर दिया, अब 13 नंबर को जैसे हम निकालेंगे तब देखेंगे लाइट बंद हो गई, ये लाइट बंद हो गई तो इसका मतलब ये फ्यूज नंबर 13, ये जीएस का डायरेक्ट करंट है, ये हमारे गियर में जाता है। कई बार हमें चेक करना पड़ता है जब हमारे गियर के रिलेटेड फॉल्ट आती है। तो उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूज नंबर 13 की। फ्यूज नंबर 13 जो होता है दो जगह जाता है, आप देखेंगे फ्यूज नंबर 13 जो 20 एम्पर का रहेगा, इसका X8 पे पिन नंबर 4 पे जाएगा डायरेक्ट, ये रेडियो के लिए और टेलीग्राम के लिए रहता है, यानी रेडियो के लिए ये फ्यूज है, ये वाला फ्यूज नंबर 13 रेडियो। फ्यूज नंबर 13 किसके लिए यूज होता है? रेडियो के लिए, और टेलीमेट्री का तो मतलब नहीं, रेडियो के लिए। तो ये X8 के पिन नंबर 4 पे X8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका पिन नंबर 4 चार, जैसा कि आप देखेंगे अभी हमने अपने टेस्टर को जो कनेक्ट कर दिया है पिन नंबर 4 के ऊपर, तो अभी हम देखेंगे इसको फ्यूज निकाला। जैसे ही मैंने फ्यूज निकाला तो आप देखेंगे इस टेस्टर की जो लाइट है हमारी बंद हो गई, और जैसे लगाएंगे ये दोबारा से जल जाएगी। तो ये हमारा रेडियो का यानी डेक का, टेलीविज़न का। उसके बाद बात करेंगे फ्यूज नंबर 14 के। फ्यूज नंबर 14 जो हमारा रहता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे FR के लिए जाता है, इग्निशन स्विच के लिए जाता है, FR और इग्निशन स्विच यानी दोनों के लिए यूज होता है। इसका फ्यूज नंबर कितना है? 14। ये देखेंगे 14 इग्निशन के लिए भी वो यूज हो रहा है, इग्निशन लॉक के लिए और FR के लिए, यानी डायरेक्ट करंट है दोनों के लिए ये। तो फ्यूज नंबर इसका आउटपुट जो रहेगा 117 में जाएगा, 117 ये वाली फिस रहेगी हमारी, 117 में कितने पिन नंबर 5 पे, पिन नंबर 5 पे, और 117 में जाएगा पिन नंबर 5 और पिन नंबर 11 पे। अभी हमने जो 5 नंबर पिन है उसके ऊपर कनेक्ट कर दिया, 5 नंबर जो हमारे इग्निशन स्विच के लिए, जैसे इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से कारबा जाना चाहिए जब भी हमारा इग्निशन लॉक खुलता है। तो इसका फ्यूज नंबर कितना है? 14। तो 14 को हम बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। देखो जैसे 14 नंबर निकाला तो क्या हुआ, लाइट हमारी बंद हो गई। अभी देखेंगे स्विच ऑन हो गया, आपको आवाज़ भी सुनाई दी होगी। उसके बाद इसका दूसरा जो आउटपुट है इसी में 11 नंबर पे है, तो 11 नंबर क्या आएगा? 3 3 3 6 3 3 9 10 11 ये वाला फिस रहेगा। ये वाला काय का है? ये हमारा FR का ड्राइवर कंट्रोल यूनिट, ड्राइवर कंट्रोल यूनिट का है ये, 3 3 3 6 3 3 9। जैसे कि आप देखेंगे 14 नंबर फिस निकाला तो हमारे FR का जो रहता है ये FR का है, इसका पिन नंबर 11, यानी फ्यूज ये कि ये दो जगह करंट जाता है। तो अभी ये ऑन हो गया। तो उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूज नंबर 15 की। जो 15 नंबर हमारा फ्यूज रहता है हीटिंग ऑपरेटर यूनिट का रहता है, हीटर का रहता है, जो बहुत कम यूज़ होता है, फ्यूज नंबर 15। फ्यूज नंबर 15 इसका आउटपुट जो जाता है 117 के पिन नंबर 8 के ऊपर जाता है, डायरेक्ट करंट रहेगा इसका, नहीं चेक है। उसके बाद हम जाएंगे फ्यूज नंबर 16 पे। फ्यूज नंबर 16 जो हमारा रहता है 17 नंबर के पिन नंबर 3 पिन नंबर 2 पे जाएगा, ये भी हमारा रेडियल लैंप का रहेगा, इसके ये भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूज नंबर 17 नंबर जो है ये 16 नंबर ये वाला, इसका आउटपुट हमारा कहाँ डायरेक्ट करंट रहेगा इसके ऊपर, और ये आउटपुट हमारा जाएगा 117 के, ये वाला जो पिन है 117, इसके पिन नंबर कितने पे जाएगा? पिन नंबर 3 और 2 पे आएगा, यानी 3 और 2, 3 ये ऊपर वाला और 2 ये नीचे वाला, 3 और 2 पे आएगा, इस पे दोनों पे करंट आएगा। उसके बाद जो हमारा फ्यूज बचेगा वो 17 नंबर फ्यूज होगा, 16 ही होगा, ये वाला फ्यूज 17 नंबर,
इसके ऊपर पहले से भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ये INS का है, जो हमारा मीटर रहता है ना, जो मीटर स्क्रीन जो रहती है उसका है ये। स्क्रीन में जो लाइट नहीं जलती है तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। और आप देखेंगे इसके ऊपर डायरेक्ट करंट रहता है, ये INS में जाता है, टेलीमीटर टेलीग्राफ में जाता है, और ये जाता है डायग्नोस्टिक सॉकेट में। यानी तीन जगह, ये एक फ्यूज का यूज है लेकिन तीन जगह जाता है। इसका आउटपुट हमारे X4 में मिलेगा, पिन नंबर 4 पे जो रहेगा वो X4 एक तो X4 में रहेगा पिन नंबर 4 पे, पिन नंबर 4 X4 1 2 3 4 पिन नंबर 4 X4 पिन नंबर 4 पे। जैसे कि हमने टेस्टर लगा दी, अब हम निकाल के देखेंगे अपने फ्यूज को, लाइट जाती है। जैसे कि आप देखेंगे INS का जो है 17 नंबर फ्यूज जैसे निकाला तो हमारा जो है लाइट बंद हो गया। तो ये INS LCD का, और उसका दूसरा जाएगा हमारा 17 नंबर का कहाँ पे जाएगा, हमारा X12 के पिन नंबर 3 पे, X12 पिन नंबर 3। तो 12 कहाँ जाएगा, तो 12 जाएगा ये वाला, इसका पिन नंबर 3 पे आपको मिलेगा, पिन नंबर 3 पे मिलेगा। और इसका यूज हमारा जो होगा, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, डायरेक्ट करंट रहेगा, टेलीग्राफ का है ये। उसके बाद 17 नंबर का X13 पे पिन नंबर 15 पे जाएगा, X13 का पिन, ये डायग्नोस्टिक सॉकेट में आता है X13, ये इंपॉर्टेंट है। X13 कहाँ मिलेगा आपको, 10 11 12 13, और 13 नंबर पे जब हम आएंगे तो पिन नंबर हमें देखना पड़ेगा, पिन नंबर कितना है, 15, पिन नंबर 15 हमेशा कोने में रहता है, तो यहाँ पे यही वाला होगा। तो चेक करता हूँ मैं दोबारा से, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, देखेंगे। जैसे ये डायग्नोस्टिक सॉकेट का है, डायरेक्ट ये डायग्नोस्टिक सॉकेट जो हमारा डायरेक्ट करंट आता है ना इसमें, ये इसके ये डायरेक्ट करंट आता है, उसके लिए ये तार यहाँ पे है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसमें हम 17 तक ही रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा फाइनल कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगा, पसंद है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।